गाइस, मेरा नाम है विपाशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। टुडे आई वांट टू शो यू सम ऑफ माय पेंटिंग्स जो कि मैंने कैनवस पे बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू दीज थ्री कैनवसेस हियर जिसे कि मैंने एज अ कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहले जो मैंने कैनवस बनाया है वो है रिलेटेड टू वाटर। इसके लिए मैंने यूज किया है एक फ्लावर जो कि पॉन्ड में है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाटर हियर। विथ माय नेक्स्ट कैनवस आई वांटेड टू रिप्रेजेंट द स्काई। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया है एक हॉट एयर बलून जो कि स्काई में है, एज यू कैन सी। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्काई। मेरा अगला कैनवस जो है उसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट करना चाहती थी लैंड को। तो लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बनाया है एक साइकिल जो कि रोड पर है, साथ में एक वॉल है जिस पे कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लैंड और अर्थ यू कैन से। सो विद दीज थ्री कैनवसेज आई वांटेड टू शो द एलिमेंट्स ऑफ स्काई, वाटर एंड लैंड। सो दिस वॉज द मेन आइडिया बिहाइंड इट कि इन तीनों को एज अ कॉम्बिनेशन भी हम रख सकते हैं और एज अ इंडिविजुअल कैनवस भी रख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट कैनवस जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरी सबसे पहली पेंटिंग है जो कि मैंने कैनवस पर बनाई थी। सो इट इज अ विंड मिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अ विंड मिल और स्काई। मेरा स्काई टाइम के साथ फेड हो गया है क्योंकि ये काफी पुरानी पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग मैंने बनाई थी द आर्ट शेरपा से, जो कि यूट्यूब पे एक चैनल है जो कि हमें इसी तरह की बहुत ही इजी वे में पेंटिंग्स बनाना सिखाता है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज चेक हर आउट। एंड दिस इज माय फर्स्ट एवर कैनवस। My next canvas is of a girl. यहाँ पर एक लड़की है जिसके कंधे पे एक चिड़िया है and there are some leaves. तो ये पेंटिंग मुझे इसे बनाने में काफी टाइम लग गया था क्योंकि as you can see इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लैक है। तो ब्लैक कलर पे जो दूसरे कलर्स हैं like this green and blue, this peach color, तो उतने उभर कर नहीं आते। तो उसके लिए मुझे पहले ये सब कुछ जो भी मैंने बनाया है इसे सारा वाइट पेंट करना पड़ा और उसके बाद जो है ये कलर इतने अच्छे इस ब्लैक कलर पर आ पाए हैं। सो दिस वॉज रियली टाइम कंज्यूमिंग पर जो फाइनल प्रोडक्ट है आई एम रियली हैप्पी विद दैट। आज का मेरा लास्ट कैनवस है बुद्धा का। दिस इज हियर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने ट्रेडिशनल कलर्स में ही यूज किए हैं जो कि बुद्धा को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस फ्लावर हियर, यूजुअली इसे डार्क पिंक या रेड कलर का बनाया जाता है एंड द क्लोथ्स ऑफ बुद्धा इन्हें ऑरेंज कलर का बनाया जाता है। सो रीजन बिहाइंड दैट इज कि अभी जो बुद्धा है वो कम्प्लीटली बुद्धा नहीं बने हैं, अभी वो अपनी ट्रांजिशन में है बुद्धा बनने की। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज कलर्स आर रिप्रेजेंटिंग हिज ग्रोथ। सो दैट इज व्हाई माय बुद्धा इज लाइक दिस।